तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको वीडियो मेकिंग का शौक़ है, आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है और आप इस शौक़ को आगे भी लेके चलना चाहते हैं, तो आपने एक चीज़ का फ़ैसला अपने दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा कि मालिक, जब भी पैसा आएगा मैं कैमरा ज़रूर ख़रीदूँगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है हाउ टू बाय योर फर्स्ट कैमरा। तो आप क्या करेंगे, आप उठाएँगे अपना फ़ोन और हर उस बंदे को मिला देंगे जिसको आपके हिसाब से कैमरे के बारे में कुछ भी पता है, और आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। हाँ रज़ाक भाई, तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे ख़रीदना है कैमरा। कौन सा? सोनी A6400। डन करते हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फैयाज़ भाई, तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है मुझे एक कैमरा ख़रीदना। कौन सा? कैनन R6। हाँ ठीक है, डन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ प्याज भाई, सॉरी हाँ हाँ जहन से निकल गया, रियाज भाई। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है मुझे ख़रीदना है एक अदद कैमरा। हैं? निकॉन Z6। ओके जी ठीक है, डन करते हैं। अब इसका एक और तरीका है। अब आपको करनी है बहुत भरपूर किस्म की रिसर्च। वाह 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 सर, क्या बात है आपकी, क्या बात बताई है सर आपने। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ढूंढ के सोच समझ के रिसर्च करके कैमरा लेना है। हम तो सोच रहे थे जाएंगे दुकान पे, जो अच्छा लग रहा होगा शक्ल से उस पे उंगली रखेंगे, बोलेंगे भैया ये वाला दे दो। अब रिसर्च करनी है तो शायद आपको भी पता है, लेकिन कैसे करनी है ये आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले गूगल भैया पे जाएं, गूगल भैया को खोलें, उस पे अपना बजट लिखें और उस बजट में कैमरा सर्च करें। अब जितने भी कैमराज आ रहे हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें, यानी कि उनकी एक फहरिस्त बना लें। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको कैमरे का सी भी नहीं आता, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आपने बजट की लिस्ट बना ली। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है। हर कैमरा हर जगह फिट नहीं हो सकता, कोई भी कैमरा अच्छा या बुरा नहीं होता। कभी भी कंपनी कोई ऐसा कैमरा नहीं बनाएगी जो उनको पता होगा कि बुरा है। हर कैमरे का अपना पर्पस होता है, हर कैमरे का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो हो सकता है कैनन R6 आपके लिए बेस्ट कैमरा हो, और अगर दूसरे हाथ पे आप डिसेंट फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है सोनी A7S4 आपके लिए बेहतर कैमरा हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि R6 S4 से अच्छा कैमरा या S4 R6 से अच्छा कैमरा। दोनों की अपनी अपनी बात है, इंडस्ट्री में दोनों की अपनी अपनी जगह है। जब आपने ये चीज़ समझ ली तो आपके पास वो जितनी भी लिस्ट थी उन सबके कैमराज को सर्च करेंगे, इनमें से कौन सा कैमरा आपके मकसद पे पूरा बैठ रहा है। ये काम भी आपका गूगल भैया ऐसे कर देंगे। सिंपल तरीका है, हर कैमरे को उसके नाम से सर्च करें, गूगल उसकी स्पेशलिटी आपको ख़ुद बता देगा कि कौन सा कैमरा कंपनी ने किस मकसद से बनाया है। जितने भी आपके मकसद पे बैठ रहे हैं उन सबको टिक कर दें, बाकी सबको क्रॉस कर दें। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम हो चुके हैं और आपको उन ऑप्शंस में से चूज़ करना है।
अब फन पार्ट, अब करवाएं इन सारे कैमराज का फड्डा, यानी कि गूगल पे इनके रिव्यूज़ चेक करें, तबीयत से टाइम लगाएं, सही से छाने इनको, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखें, कॉन्स ज़रूर देखिएगा। हमें कोई कैमरा पसंद आता है, हम उसके से प्रोज देखते हैं, कॉन्स हम उसको लेने के बाद समझ आता है कि अबे यार भंडा हो गया। कॉन्स देखें, प्रोज देखें, स्पेसिफिकेशंस देखें। स्पेसिफिकेशंस जैसे जैसे देखेंगे ना आपके समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे आप यूट्यूब वीडियोज़ देखना शुरू करेंगे आपकी स्पेसिफिकेशंस भी समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद आपके पास वो कैमरा आएगा जिसकी आपको नीड है, एंड आई गारंटी दैट यू विल हैव द बेस्ट कैमरा पॉसिबल। एंड में आपके पास आपके सपनों की मतलब आपके सपनों का कैमरा आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये गाइड आपके फ़र्स्ट कैमरा लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो में मेहनत लगी है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा मैं रखूँ अंडे वाला बर्गर, या सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उतना मेरे लिए बहुत है। तो अब हम निकलते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्तला विस्ता, अखरोट बादाम पिस्ता।